श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में कुबेर जैसा भंडार भर जाए तो आपको ये जो उपाय है मैं आपको बताने वाली हूँ ये केवल और केवल रविवार के दिन करना है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको लेना है एक लोटा जल और उस जल में आपको 7 बूंद शहद की डाल देनी है। ध्यान रहे 7 बूंद शहद की डालने के बाद आपको एक बेलपत्री लेनी है। अब जरूरी नहीं कि आप इस उपाय को सोमवार को ही करें, अगर आप इस उपाय को रविवार को करते हैं तो भी आपको इस उपाय का लाभ प्राप्त होता है। वैसे आप रविवार को ना कर पाए तो सोमवार को इस उपाय को अवश्य ही कर लें। एक बेलपत्र लेने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं, एक लोटा जल लें, उसमें 7 बूंद शहद डालकर एक बेलपत्र लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद जो लोटा जल लेकर गए हैं उस लोटा जल को आपको 5 स्थानों पर समर्पित करना है। जो भगवान शिव की शिवलिंग होती है वहां पर, जो भगवान गणेश का स्थान होता है उस पर समर्पित करना है, दूसरा भगवान कार्तिकेय के स्थान पर, तीसरा अशोक सुंदरी और चौथा जहां पर माता पार्वती का कमल होता है, और 5वां जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। साथ ही थोड़ा सा जल और बचा लीजिए, उस जल को आप नंदीश्वर महाराज पर समर्पित कीजिए। फिर उसके बाद जो बेलपत्री आप लेकर गए हैं उस बेलपत्री को अपने हाथों में लेकर अपनी इच्छा को बोलते हुए भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग है उसके ऊपर आपको रख देना है, और जो डंडी का भाग है वो आपकी तरफ होना चाहिए और आपको उस समय अपनी इच्छा को 3 बार अपने मन ही मन में बोल देना है। ऐसा करने के बाद आपकी जो इच्छा होगी वो पूर्ण होकर ही रहेगी और आपको इस जल को समर्पित करने से कुबेर जैसा भंडार मिलेगा मात्र 7 बूंद शहद से। वैसे आप इस उपाय को कभी भी किसी भी दिन कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ उपाय बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।